मियाँ बाबर और मियाँ सिकंदर रायस आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। हमारी मंजिल है अलबदिया मॉस्क, जो कि फजीरा और दीबा के दरमियान वाकिया है। खोरबगान फजीरा का एक टाउन है और जहाँ पे कोई सड़क सीधी नहीं जाती थी, ये इन्होंने पहली मोटरवे टाइप की एक सड़क बनाई है और जो सीधी खोरबगान जाती है, खोरबगान से गुजर के ये फिर अलबदिया मॉस्क जाती है। और ये हम दूसरी सुरंग को अप्रोच कर रहे हैं। और दोस्तों, ये हम अलबदिया मॉस्क फजीरा पहुंच गए हैं। ये पीछे खोरबगान का कस्बा है और आगे ये रोड दीबा चली जाती है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन यूएई। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, इस पे इसकी मुख्तसर सी तारीख लिखी हुई है। 1446 ईस्वी यानी एडी में इस मस्जिद की तामीर हुई थी लोकल मटेरियल से, यानी यहाँ के पहाड़ के जो पत्थर हैं और यहाँ का लोकल गारा, इससे इसकी तामीर हुई थी। बहुत खूबसूरत जगह है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम आपको मस्जिद के अंदर लिए चलते हैं। दोस्तों, मस्जिद के अंदर जाने के कुछ आदाब हैं, जैसे जूते आपको उतारने पड़ते हैं और ये आप बोर्ड देख सकते हैं, इस पर ड्रेस कोड लिखा हुआ है, बल्कि बनाया हुआ है कि भाई ये अलाउड है, जबकि ये लिबास अलाउड नहीं है। आप मस्जिद के अंदर कहा पी नहीं सकते, स्मोकिंग डेफिनेटली अलाउड नहीं है और जूते उतारने पड़ते हैं, और जब नमाज हो रही हो तो अंदर नहीं जाना चाहिए सैर के लिए। नेक्स्ट वीट की टीम के साथ हम आपको लाए हैं अलबदिया के तारीखी मस्जिद में, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अलफुजेरा की अमारत में खोरफकान और दीबा के दरमियान वाकिया है। अलफुजेरा के सदर मुकाम से 40 किलोमीटर शुमाल में वाकिया इस कदीमी मस्जिद को उस्मानियों की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। चार गुंबदों पर मुश्तमिल ये मस्जिद एक मुनफरिद तर्ज तामीर की हामिल है। मुकामी पत्थरों और मिट्टी की बनी इस चौकोर इमारत का रकबा 570 मुरब्बा फुट या 53 मुरब्बा मीटर है, जिसकी लिपाई भी तह दर तह मुकामी गारे से की गई है। दरमियान में मौजूद बड़ा सतून चारों गुंबदों को सहारा दे रहा है, यानी चारों गुंबद और छत दरमियानी सतून पर टिके हुए हैं। सामने की दीवार में एक छोटी सी मेहराब और चारों दीवारों में दो दो दरीचे रोशनी और हवा की तरसील के लिए भी रखे गए हैं। मरकजी दरवाजे का रुख मक्का की सिम्मत है, जैसा कि आम तौर पर मसाजिद में होता है, यानी मक्के की सिम्मत ही किबले का तयन करती है। मस्जिद की फनी तामीर के दो अंदाज हैं, हाइपोस्टाइल, जिसमें छत को सतूनों पर सहारा दिया जाता है, और दूसरा डोमिकल स्टाइल, जहां दीवारें गुंबद से गिरी होती हैं। मिट्टी और पत्थर की बनी इस मस्जिद में लकड़ी के अदम इस्तेमाल की वजह से इसकी सही सनी तामीर का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इसकी तामीर 15वीं सदी ईस्वी के लगभग हुई थी। कुछ माहिरीन इससे भी पहले के अंदाजे लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के तआवन से अलफुजेरा के महकमा आसार कदीमा और सकाफत के हतमी नतीजे के मुताबिक साल 1446 को मस्जिद और पहाड़ी पर बने दो बुर्जों का सन तामीर गर्दाना जाता है। चार गुंबदों की वजह से दीगर पुरानी और जदीद मसाजिद में सबसे मुमताज है। हर गुंबद मुतअद्दद गुंबदों पर मुश्तमिल है,
जो एक दूसरे के ऊपर नसब हैं, जिनमें पहला एक बड़े गुंबद की बुनियाद बनाता है। आसार कदीमा और तारीखी अहमियत के हामिल अमारात की इस कदीम तरीन मस्जिद में आज तक पांचों नमाजें अदा की जाती हैं, जो इसे न सिर्फ मुकामियों बल्कि गैर मुल्कियों के लिए भी एक मुनफरिद सियाहती मुकाम बनाती है। तो दोस्तों, ये थी अलबदिया मॉस्क की एक मुख्तसर सी तारीख। अब आपकी इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छे वीडियोस बना सकें। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।